कागज के फूल वो बॉलीवुड फिल्म जो सिनेमाघरों में तो फ्लॉप रही लेकिन आज भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिकल मूवीज में से एक है। आपने उसकी जरूरत नहीं महसूस की, हमेशा महसूस की। भारतीय सिनेमा के स्कूल माने जाने वाले गुरु दत्त ने हमें प्यासा, मिस्टर एंड मिसेज पचपन, बाजी और साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थीं। लेकिन गुरु दत्त केवल 39 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे। सिनेमा प्रेमियों के मुताबिक गुरु दत्त की मौत के पीछे की एक वजह कागज के फूल फिल्म की असफलता को भी बताया जाता है। लेकिन अब वही अकेलापन एक बोझ बन गया है। इतना अकेलापन मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया मिलोर्ड। अगर पम्मी भी मुझसे छीन ली गई तो। मिस्टर सिन्हा, अदालत के सामने। आज गुरु दत्त की ये क्लासिकल फिल्म सिनेमेटिक टेक्स्ट बुक के तौर पर भी मानी जाती है। भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म कागज के फूल की कहानी मशहूर लेखक अबरार अलवी ने लिखी थी। ये स्वेटर किसके लिए बुन रही है? कोई मिस्टर कोई या मिस कोई? मिस्टर कोई। फिल्म के एक्टर और निर्देशक गुरु दत्त ने इस फिल्म में अपनी जिंदगी के कुछ जख्म पिरोए हैं। ये बात कुछ हद तक सच लगती भी है क्योंकि गुरु दत्त उन दिनों अपनी निजी जिंदगी के दर्द से प्रभावित थे। गुरु दत्त बचपन से ही सिनेमा के शौकीन थे। सन 1940 के दशक में उन्होंने पुणे के प्रभात फिल्म कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यही उन्हें अपने जीवन के दो जिगरी यार देवानंद और रहमान मिले। लेकिन तुम्हें तो कभी कहा था दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, तो फिर ये कोई मेरे ही। सन 1945 में गुरु दत्त ने एक छोटे से रोल से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद 1946 में उन्होंने देव आनंद की एक्टिंग डेब्यू फिल्म हम एक हैं में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और डांस कोरियोग्राफर काम किया। सन 1947 में जब उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उन्होंने बतौर फ्रीलांस असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। सन 1947 में गुरु दत्त वापस मुंबई लौट आए और अलग अलग बैनरों के साथ काम करने लगे। इस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद है। सुनिए तो। क्या खास सुनो? कल इसी बीच उन्हें देव आनंद ने अपनी कंपनी नवकेतन फिल्म्स के लिए एक फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर दिया। इस दौरान दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके मुताबिक अगर गुरु दत्त कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें हीरो देव आनंद होंगे और अगर देव आनंद कोई फिल्म प्रोड्यूसर। तुम्हारी शूटिंग पारो बनना है, एक सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की। तुम्हारे सर पे जंगली बेल लेके खास शूटिंग करूंगा, 10 दिन तक नहीं सूझेगी। यूज करेंगे तो उसमें गुरु दत्त डायरेक्टर होंगे। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ने 1951 में बाजी और 1952 में जाल जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन बाद में देव आनंद के बड़े भाई चेतन आनंद के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेज हो जाने के बाद दोनों ने आगे साथ काम नहीं किया। गुरु दत्त अपने करियर के शुरुआती दौर में ही उस समय की जानी मानी गायिका गीता रॉय से प्रेम कर बैठे थे और उन्होंने शादी भी कर ली थी। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। आप लोगों के हुक्म के मुताबिक वहाँ मुझे पम्मी से नहीं मिलने दिया गया। I am sure, लुलु को जरूर सर्दी हो गई। ये गुरुदत्त के संघर्ष के दिन थे और गीता बेहद सफल थीं। गुरुदत्त और गीता के बीच सामान्य पति पत्नी की तरह मतभेद थे और कभी भी अलग होने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इस बीच गुरुदत्त की मुलाकात वहीदा रहमान से हुई और वो वहीदा के तेज तर्रार व्यक्तित्व और तीखे नैन नक्श से प्रभावित गुरुदत्त ने उन्हें अपनी फिल्मों में काम देना शुरू किया। बस यहीं से एक गॉसिप ने जन्म लिया और बात का बतंगड़ बनता चला गया। हिंदी फिल्मों में वहीदा का आना भी गुरुदत्त की वजह से ही हुआ था और उनकी अभिनय प्रतिभा की वजह से उनकी हर फिल्म में होती ही थी। प्यासा के बाद कागज के फूल के समय भी वहीदा को हीरोइन का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल मिला था। फिल्मी गॉसिप ने इन दोनों को हमेशा करीब लाने की कोशिश की, लेकिन वहीदा रहमान गुरुदत्त को हमेशा अपना शुभचिंतक और मार्गदर्शक मानती रहीं। आसान नहीं थी गुरुदत्त की जिंदगी। गुरुदत्त अक्सर टेक्स्ट बुक सिनेमा बनाने को लेकर बेचैन रहा करते थे। फिल्म प्यासा उनकी बेचैनी का पहला उदाहरण थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया।
गुरुदत्त को अक्सर ऐसी कहानियां पसंद आती थी जिसमें हीरो को कोई समझता नहीं है और जब कोई समझता है तो हीरो उसे दूर भगा देता है और आखिर में गुमनाम होकर कहीं गायब हो जाता है। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कागज के फूल में भी उन्होंने इसी तरह के इखारे हुए जीनियस की कहानी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन दर्शकों को उनकी ये कहानी पसंद नहीं आई। कागज के फूल को मिले समीक्षकों के खराब रिव्यू। गुरुदत्त बतौर निर्देशक अब हिंदी सिनेमा में मशहूर हो चुके थे। साल 1957 में उनके निर्देशन में बनी प्यासा बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसकी सफलता के दो साल बाद सन 1959 उन्होंने कागज के फूल फिल्म बनाई। ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट थी। वो इस पर पानी की तरह पैसा बहा चुके थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जब फिल्म को क्रिटिक्स से भी नेगेटिव रिव्यू मिले तो गुरुदत्त ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और बेतहाशा शराब पीने लगे। इस बीच उन्होंने किसी तरह अपने प्रोडक्शन में 14वीं का चांद 1960 और साहिब बीबी और गुलाम 1962 का निर्माण जरूर किया, लेकिन इसके कुछ समय बाद वो डिप्रेशन में भी चले गए। कागज के फूल से 17 करोड़ रुपए का नुकसान। गुरुदत्त को कागज के फूल फिल्म का सदमा इस कदर लगा कि वो 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम के हिट होने से भी खुश नहीं थे। इस फिल्म की वजह से गुरुदत्त को उस दौर में 17 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। डिप्रेशन के साथ कुछ साल और बीत तो गए, लेकिन 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने आत्महत्या कर हिंदी सिनेमा को झकझोर कर रख दिया। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो केवल 39 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चल बसेंगे। आखिरकार गुरुदत्त के जाने के बाद उनका सही मूल्यांकन हो पाया और कागज के फूल आज पूरी दुनिया में एक सिनेमेटिक टेक्स्ट बुक की तरह देखी जाती है। आज देश के फिल्म संस्थानों में निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी सिखाने के लिए कागज के फूल फिल्म की पाई करने के लिए कहा जाता है। गुरुदत्त को अपना गुरु मानने वाले कई एकलव्य निर्देशक कागज के फूल को समय से आगे का सिनेमा कहते हैं और हर बार फिल्म देखकर कुछ नया सीखते हैं।